एक मैराथन क्लास में मैं आपके बीच लाइव हूँ, और हाँ, एक क्लास शिक्षक भर्ती जूनियर के लिए निःशुल्क ई-लर्निंग पे दुर्गा से गेस्ट के रूप में, ये 50 प्रश्नों की सीरीज जो खंड ए होता है, ये सभी के लिए अनिवार्य होता है, जिसमें भारत का भूगोल, जीएस, संविधान, विश्व भूगोल और सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, करेंट, साथ ही साथ आपके रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम हैं। तो सिलेबस के आधार पर ये 50 प्रश्नों की सीरीज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है। क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी, इसलिए बिना देरी किए इस क्लास के अंदर तक जुड़े रहें और साथ ही अपना बेस्ट देते रहें, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। पहला प्रश्न है, सेलफोन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, सेलफोन किस सिद्धांत पर काम करता है? दूसरा, ब्लैक पेन से, सेलफोन किस सिद्धांत पर काम करता है? जल्दी से कमेंट करें, सेलफोन किस सिद्धांत पर काम करता है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अगर आपको वीडियो साफ नजर ना आ रही हो तो, क्योंकि अभी की बार जूनियर शिक्षक भर्ती हमार एक सीट आपको पक्की करनी है। तो सेलफोन जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग पर काम करता है। 20 प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वे तरंगे निर्वात में भी संचालित हो सकती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ये कैसी तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, याद रखिएगा। हाँ, खोस्तरी बता दे रहे, हाँ, इसी में इसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। गामा किरणें, ये इनकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है। इनकी जो चाल होती है ना, ये प्रकाश के चाल के बराबर होते हैं। और इसकी बड़ी बात यह है, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, औरत किरणें, ये सभी विद्युत चुंबकीय किरण के उदाहरण हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, माइका, अंग्रेजी में माइका, हिंदी में अभ्रक कहते हैं, किस काम में प्रयोग की जाती है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आज की क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण अहम है। बिना ब्रेक नॉन स्टॉप, ये केवल 50 प्रश्न है, सभी के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र है। ये सभी के लिए, चाहे भाषा हो, चाहे षष्ठी हो, चाहे आप साइंस हो, चाहे मैथ हो, सभी के लिए अनिवार्य है। तो जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा, माइका अभ्रक विद्युत उपयोग में कैसे, इसके बारे में जानते हैं। यह उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। किसका? उष्मा विद्युत का कुचालक होता है। यह पवन मापी यंत्र या उत्तम कोटि के दर्पण अभ्रक की सहायता से बनाए जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न की जो उत्तर होगी वह 20 का राइट आंसर होगा, 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा, एकदम आराम से देखिएगा। आईपीएल, आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखिएगा अगर आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए, अब इस वीडियो को मैं लाल नारिश्ता पढ़ा रहा हूँ, आपसे एक छोटा सा काम है कि वीडियो को लाइक का बटन दबाने के बाद शेयर इसलिए करिएगा, मेरे लिए नहीं, उन साथियों के लिए करिएगा जो फर्स्ट पेपर को हल्के में ले रहे हैं, या आपके सिलेक्शन का आधार है, इसलिए उन तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। आईपीएल 2019 चेन्नई सुपर किंग टीम की अगुवाई किसने की थी? आइए जल्दी से बात करते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, एमएस धोनी, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जी हाँ, डेविड मिलर, ये किंग्स इलेवन पंजाब के थे, नहीं, किंग्स इलेवन पंजाब के थे। रोहित शर्मा मुंबई से थे, मुंबई इंडियन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये मुंबई से थे। लेकिन विराट कोहली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से थे, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से, ऐसे लिख दे रहा हूँ, हाँ सभी लोग याद रखिएगा, बैंगलोर से, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 4। सभी लोग फटाफट प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ जाइएगा, सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, गलत या सही समझिए, परीक्षा हाल में बैठे हैं, ये घर पर नहीं बैठे हैं आप। ये बताइए, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता? ये नहीं मतलब, ये नकारात्मक प्रश्न है। कैसा है? ये नकारात्मक प्रश्न है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी जल्दी कमेंट करिए सभी साथी, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें, ध्वनि का वेग किस पर नहीं मापा जा सकता? भाई कमेंट करके जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। देखिए, इस प्रश्न का जो सही विकल्प है, नहीं, इसके ऊपर होगा, खोजते चलिए मिल जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। देखिए, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता, प्रश्न नंबर 4 आपको बताना है। जी हाँ, ये वायु के घनत्व पर निर्भर करता है, वायु के तापमान पर निर्भर करता है, वायु की आर्द्रता पर निर्भर करता है, लेकिन वायु ताप पर निर्भर नहीं करता। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, वह होगा सी, जो गलत है वही सही है। इस बारे में हम लोग बात करते हैं, क्या कॉपी कलम लेकर आप बैठे हैं? देखिए, ध्यान से समझिएगा, वायु ध्वनि का वेग, वायु के दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता,
ताप में वृद्धि के साथ घनत्व में कमी आती है, इसके फलस्वरूप ध्वनि के वेग में वृद्धि होती है। इसी कारण वायु आर्द्र में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। लिख लीजिएगा, ये साइंस का टर्म है। ध्वनि के वेग के विपरीत दिशा में चल रहे वायु के कारण भी ध्वनि के वेग में ह्रास होता है। यदि घनत्व घटता है तो ध्वनि की गति में वृद्धि होती है, या फिर घनत्व में वृद्धि से ध्वनि की गति में ह्रास होता है। ये कई टर्म थे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न नंबर 5, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा भारत की प्रमुख वनस्पति कौन है। एक और देखिए, एक फोल्डर और है। चलिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, भारत में कौन सी वनस्पति प्रमुख है? यह पतझड़ वन। कौन सा वन होगा? पतझड़ वन होगा। आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ी बातें और जानते। देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। कैसे? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, इसमें साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम होते हैं। ये अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए कैक्टस, खैर, बबूल, ये सब कांटेदार झाड़ी है। कांटेदार में क्या आती है? कैक्टस है, बबूल है, खजूर है। ठीक, और महोगनी, रोजवुड। वर्षावन क्या है पता आपको? वर्षावन किसे कहते हैं? अगर वर्षावन की बात की जाए तो ये वर्षा जहां ज्यादा होती है, जैसे महोगनी, एबुनी, रोजवुड होता है। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा सभी साथी, जितने लोग वीडियो को लाइक देख रहे हैं, यार वीडियो को शेयर करिए। मुझे बार बार कहना पड़ता है आपने लाइक नहीं किया, भैया पैसे नहीं करते हैं, बस ये होता है कोई बाड़े वीडियो देखेगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए लाइक करिएगा। ये सारे प्रश्न आपके सेलेक्ट करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको नहीं पता है। हर विषय से समान अनुपात में प्रश्न लाना पड़ता है, उसके लिए सौरभ जी का धन्यवाद कहेंगे। जी हाँ, ऑनलाइन क्लास या नोट्स के लिए आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर बात कर सकते हैं, या नोट जो भी हो, मेरी क्लास आपको निःशुल्क मिलती है एज ए गेस्ट के रूप में, देश हित में, राष्ट्र हित में। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? आइए एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले बात, अगर हम टेलीफोन के आविष्कार की बात करेंगे तो किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? ये बल्ब का। किसका? बल्ब का। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो टेलीफोन बनाया था वो कब बनाया था पता था? ये 1876 में। कहाँ के थे? यू यूएसए के थे। गुलिगर मार्कोनी ने क्या बनाया था किसी को पता है? मार्कोनी ने रेडियो टेलीग्राफी, रेडियो लिखना चाहे लिख लीजिएगा, रेडियो टेलीग्राफी। ऐसा जानते रहिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। एक प्रश्न से तीन प्रश्न बने हैं, ठीक है, एक प्रश्न से तीन प्रश्न बने हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न की तरफ। ये चुन चुन के प्रश्न आपके लिए लाए जाते हैं। ये मालिक के वो फूल है ना जो केवल भगवान को चढ़ाए जाते हैं, लेकिन आप हमारे भगवान के समान है क्योंकि तो अपने बाप के आग के तारे हैं आप। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, वर्ष 2018 का नोबेल शास्त्र किसे दिया गया? नोबेल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? कमेंट करके बताइएगा, नोबेल कितने क्षेत्र में दिया जाता है? सबसे बाद में कौन सा नोबेल दिया जाने लगा? जी हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करिएगा, शायद ये देख रहे हैं। हाँ ठीक है, सभी लोग जरा कमेंट करके बताइएगा, सभी साथी जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं ना, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी, क्योंकि रेस के घोड़े ही तो रेस में अच्छे लगते हैं, आप तो रेस के घोड़े हैं। ये नहीं, ऐसे ही है, बताइए सभी लोग कमेंट करके। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर अर्थशास्त्र कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, 6 के नाम बताइएगा, सबसे अंत में कौन जोड़ा गया ये भी बताइएगा। देखिए 2018 में विलियम डी नार्गस को दिया गया था। किसको? जी, इस प्रश्न का उत्तर पाल एम रोमर, पाल एम रोमर, विलियम डी नार्ड हास को दिया गया था। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर में लैन का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में लैन का पूरा नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करिएगा, कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी साथी ध्यान से देखिएगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, एक तरफ से सारा खोलते चलिए, नहीं एक तरफ खोलते चलिए बैठ के। हाँ जल्दी कमेंट करके बताइएगा सभी साथी, वीडियो को शेयर कर दीजिए मालिक, उनके लिए करिए जिनके माता पिता की उम्मीदें आपके लिए है। देखिए एक एक करके कुड़ी फिर से दिखा जाए, हमें याद है पूरे। कंप्यूटर में लैन का है लोकल एरिया नेटवर्क, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए। कंप्यूटर भी आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में है, अगर आपने सिलेबस को ध्यान से पढ़ा होगा तो। 9:30 बजे अलार्म लगा लीजिए भैया,
आप लोग को बार बार कहना ना पड़े। देखिए लोकल एरिया नेटवर्क की अगर हम बात करें तो यह स्कूल, हवाई अड्डा, भवन, घर आदि में लघु रूप से एक बहुत ही आकृति होती है। आगे बढ़ते हैं, किसके भारत आगमन में समुद्री रास्ता खुला? एकदम आसान प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए किसके कब आया था, कैसे आया था, इस विषय में आप लोग को जवाब देना है। सभी लोग बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी साथी, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए मेरे मालिक, आप सभी साथियों। देखिए यहां पर होगा वास्को डी गामा, अभी कोलंबस के बारे में बात करेंगे, हॉकिंस के बारे में बात करेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से देखिएगा, वास्को डी गामा कब भारत आया था, ये 8 जुलाई 1498 में भारत आया था, 97 अट्ठानवे में आया था ना। देखिए एक बार ध्यान से पहले देखिएगा, मैं आपको पूरा देखिए, अगर ये 1997 में चला था लेकिन भारत पहुंचा था केरल के तट पर, ध्यान देखिएगा चला कब था पहुंचा कब था, ये जो चला था ये 8 जुलाई को चला था, मैं लिखवा दूं थोड़ा सा, 8 जुलाई 1497 को चला था, पहुंचा कब था 20 मई को 1498 कहां, कालीकट केरल के बंदरगाह पे पहुंचा था। एक बात, दूसरी बात आप लोग जानते रहिएगा, जहां पे जमोरिन ने स्वागत किया था, किसने स्वागत किया था इसका, जमोरिन ने और कोलंबस ने यूएसए की खोज की थी, जिसे उसे नई दुनिया कहा था, ठीक है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, हॉकिंस कौन था ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, जमोरिन ने उसका स्वागत किया था, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, आगे बढ़ अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके सामने एकदम इंपॉर्टेंट है, प्रश्न नंबर 10, किस गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था, तो जल्दी से कमेंट कर बताइएगा, किस गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था, सभी लोग जल्दी से कमेंट करें। डेली करंट अफेयर क्लास आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसके लिए आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग पर दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं, डेली टेलीग्राम पर करंट की क्लास आपको यहां पर मिलेगी, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। बताइए सभी लोग कमेंट करके कि किस गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया, जल्दी कमेंट करिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये रामदास थे, कौन थे, रामदास थे, ये 1577 की घटना है, 1577 की घटना है, जिस समय इन्हें ये चौथे गुरु, ये कहते चौथे थे, ये ध्यान दीजिएगा, ये चौथे थे, चौथे गुरु रामदास थे, इन्हें अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, एक प्राकृतिक तालाब भी था, यहाँ पे अमृतसर नगर बसा और जहाँ पे स्वर्ण मंदिर बसा। रामदास की मृत्यु हो गई, 9वें गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की धार्मिक नीति का खुले में विरोध किया था, ठीक है, तेग बहादुर ने क्या किया था, ये नवे थे, इन्होंने औरंगजेब का खुलकर विरोध किया था। हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला है 11, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिस सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। ये पूरी तरह से पेपर फर्स्ट पर है, जितना आपके पाठ्यक्रम में है, जितना आपके सिलेबस में है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी साथी, जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी लोग, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर झेलम के तट पर पराजित किया था, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। यार इतना आसान प्रश्न है, उसका नाम था पुरु या पोरस। सिकंदर ने झेलम तट पराजित किया था, सिकंदर ने कब भारत में प्रवेश किया था, सिकंदर 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रे से प्रवेश किया था, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, ये पूछ देगा कौन से दर्रे से, परीक्षा का स्टैंडर्ड बदल रहा है, खैबर दर्रे से प्रवेश किया था। जी हाँ, सिकंदर पहुंचने के बाद तक्षशिला के राजा अम्बी ने उसकी सहायता का वचन देकर उसकी अधीनता स्वीकार की। झेलम तथा चिनाब के बीच पुरु या पोरस सिकंदर के समर्पण की मांग ठुकरा देने के बाद झेलम वितस्ता, उसका नाम क्या था, झेलम का वितस्ता, लिख लीजिएगा वितस्ता नदी, उसका पुराना नाम क्या था, वितस्ता नदी पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, उसकी वीरता से पसंद होकर खुश होकर सिकंदर ने उसका राज्य को लौटा दिया। इसलिए प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह बी होगा, अम्बी क्या था, ध्यान दीजिएगा अम्बी ने सहायता की थी, अम्बी क्या किए थे, सहायता किया था, किसकी, सिकंदर की सहायता की थी। जी हाँ, तक्षशिला पहुंचने के राजा, ये राजा कहाँ के थे, तक्षशिला के थे, इन्हीं ने इसकी अधीनता भी स्वीकार कर ली थी। ठीक,
चलिए हम आगे चल रहे अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग क्लास में पढ़ा करिए, नोट्स बना लिया करिए, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सभी तो रेस के घोड़े हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, मुंडा का लोक नृत्य क्या है? कमेंट करके बताइए। यार आपकी संख्या इतनी कम रहेगी, आप लोग लाइक करने में आपका लगता है पैसा कट जाएगा, मुझे भी पैसे नहीं मिलते यार। ये होता है इतनी मेहनत से पढ़ा और इतने लोगों ने अंगूठा का बटन दबा के समर्थन किया ताकि मैं और अच्छे प्रश्न लेकर आए। यार लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, आप लोग तो डिमोटिवेट करके रख देते हैं। अपना फायदा होना चाहिए, बात खत्म, इंसान चाहे जो भी करे। मुंडा, चलिए अमित आप ही लोग की तरह पढ़ाते हैं। ये झारखंड का एक नृत्य है, ये मुंडा समाज की सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो साल भर चलते हैं। यहाँ पे अन्य नृत्य है जापी, गेना, खेगटा, जाली, जरगा, जतरा, ये सभी है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की लोक नृत्य की बात करें तो यहाँ पर है छालो, पासी, कोंगली, पोनपीत। छत्तीसगढ़ की अगर नृत्य की हम बात करते हैं तो गौर मारिया, पांडवानी, राउत नाच, चंदनानी, भरतनाती, कपाला की। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूट, गुग्गा, खोर, जागोर आदि आते हैं हरियाणा के। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? बी, मुंडा समाज के लोग झारखंड का लोक नृत्य इनका काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ अगले प्रश्न की तरफ। यार लाइक करने से मुझे भी पैसे नहीं मिलते, बस ये होता है ना, लगता अच्छा यार हाँ इतने लोगों ने वीडियो को लाइक किया, इतने लोगों ने शेयर किया, इतने लोगों ने वीडियो को देखा। ठीक, चलिए चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 किस खिलाड़ी को प्रदान किए गए? जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। आज की क्लास में एक मिनट की भी गैप नहीं मिल पाई है। जी हाँ, सुल्तानपुर से मैं जौनपुर जनपद की सिराजे हिंद से निःशुल्क क्लास आपको लाइव दे रहा हूँ, इलानीबी दुर्गेश पर। देखिए राजीव गांधी 2018 इसमें से किसे दिया गया? एकदम आसान, एकदम हलवा प्रश्न है। करंट अफेयर कहाँ से पूछेगा? कोई गारंटी नहीं, कि हाँ आपको प्रश्न का आइडिया मिल जा रहा है कि परीक्षा में आपको प्रश्न कहाँ कहाँ से आएंगे। ये होगा विराट कोहली को, क्या होगा? विराट कोहली को 2008 में। ठीक है, फिर जी हाँ, रोहन बोपन्ना को टेनिस में दिया था, ये प्रश्न पूछ सकता है, इनका संबंध किससे? टेनिस से। नीरज चोपड़ा किससे थे? कोई बता सकता है? नीरज चोपड़ा भाला फेंक, ये किससे थे संबंध? भाला फेंक लिख लीजिएगा, परीक्षा में ये भी आता है। हीमा दास किससे थे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। विराट कोहली क्रिकेट, एक का जवाब आप लोग को देना है, तीन का जवाब मैंने दे दिया। अब हम्पी के स्मारक समूह का निर्माण किसने किया? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। कोई बात नहीं यार, शेयर मत करिए, मत लाइक करिए, बस अच्छे से पढ़िए, ईश्वर करिए आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, बस आपके सिलेक्शन हो जाए वही मेरे लिए खुशी की बात है, बाकी आप लोग की मर्जी, करो या ना करो। हम्पी किस स्मारक के समूह का निर्माण किसने किया? जल्दी से कमेंट करिए। देखिए हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी क्या थी? ये विजयनगर की राजधानी थी, विजय नगर की राजधानी थी। ठीक, और इस नगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने 1336 में किया था। कब किया था? 1336 में। हीमा दास एक एथलीट थी, लिख लीजिएगा, आप लोगों ने अभी तक जवाब भी नहीं दिया, कुछ लोगों ने गलत सलत जवाब दे रहे हैं। एथलीट थी, क्या थी? एथलीट थी। ठीक है, हरिहर बुक्का नाम के दो सगे भाइयों ने, ठीक है, तो हम्पी स्मारक समूह हरिहर बुक्का द्वारा किया गया था। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए इसका राइट आंसर होगा, ऊपर वाले का भी ए राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सभी तो रेस के घोड़े हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यहां से किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले कौन थे? सभी लोग कमेंट करिए, एकदम आसान प्रश्न, हलवा प्रश्न है, और ये भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, और मैं चाहूंगा कि जो चीज पहले पूछा जाए आप उसके तैयारी अभी से करके रखिएगा। जी हाँ, सभी लोग, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथ इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमने आपसे कहा ना कि रेस के घोड़े ही तो रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, तो बताइए जल्दी कमेंट करके। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले कौन व्यक्ति थे? ठीक, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देविका रानी इसका राइट आंसर होगा। देखिए दादा साहब पाने वाली पहली अभिनेत्री, ठीक है, पाने वाले अभिनेत्री कौन थे? देविका रानी थी। ये पुरस्कार उन्हें 1969 में मिला था, 1969 में मिला था। ठीक है, बताइए चलिए फटाफट। ठीक है, बताइए जरा कमेंट करके, उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री का स्थापना कहां की जा रही है? जल्दी से कमेंट कर बताइएगा, उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री का स्थापना कहां की जा रही है?
जल्दी से कमेंट कर बताइएगा, उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहां की जा रही है? यह रायबरेली प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्या होगा? रायबरेली। अगला प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है, मिलियन म्यूटिनीज नाव पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट करिएगा। वैसे मैं चारों विकल्प बताता आपको, लेकिन मुझे लग रहा है कि सभी बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग, सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जल्दी जवाब दीजिएगा, मिलियन म्यूटिनीज नाव पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, वी एस नायपाल है। ठीक है, अरविंद घोष की पुस्तक लिखना चाहे मैं बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। इनकी सावित्री द लाइफ डिवाइन प्रमुख है, थियोसेंसी ऑफ योगा है इनकी प्रमुख पुस्तक है। ठीक, इनकी प्रमुख पुस्तक है, ठीक, एसे ऑन द गीता। गिल की पुस्तक लिखना चाहे तो लिखवा सकता हूं मैं, पंजाब द नाइट्स ऑफ फॉल्सहुड, या पंजाब दो बार पुलिस के महानिदेशक रह चुके हैं। नीरज चौधरी की बात करेंगे तो नीरज चौधरी की ए पैलेस टू इंग्लैंड द कंटिनेंट ऑफ क्लाइस क्लाउड ऑफ इंडिया है। ठीक है, अगर हम वी एस नायपाल की बात करें तो इनकी ए हाफ फॉर मिस्टर विश्वास था, ये हाफ लाइफ, मैजिक सीड्स, द मैजिक मिस्टर, इनकी प्रमुख पुस्तक है। इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल मिला था, इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल मिला था, इसलिए इनसे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, 2001 में से क्या मिला था? साहित्य का नोबेल मिला था। अगला है, मनरेगा कार्यक्रम भारत के किस अनुच्छेद से है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के ऑनलाइन क्लास के संबंध में अगर आप बात करना जुड़ना चाहते हैं, तिलनी भी दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर जुड़ सकते हैं। 50 दिवसीय क्लास का आनंद लीजिए, मेरी क्लास आपको निःशुल्क देशहित में राष्ट्रहित में मिलती रहेगी। हमारी क्लास शाम के पाँच से रात के 11 तक निःशुल्क है, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। अब की बार एक सीट हमार। मनरेगा कार्यक्रम जो है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? दूसरा प्रश्न, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होगा? मनरेगा कार्यक्रम अनुच्छेद 43 से संबंधित है। किससे? अनुच्छेद 43 से, जिसमें कर्मचारियों को अधिकार, कर्मकारों के लिए काम अधिकार, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व और शालीन जीवन स्तर को सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 45 क्या है कमेंट करके बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 47 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 49, ये सब आप लोग रट लीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कब तैयार करना है, क्यों तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपने क्यों कितना सही किया। समझ में आया? क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको नौकरी करनी है, तो भैया आपको ऐसे सारे प्रश्न को रट्टा मारना होगा, तैयार करना होगा, वरना आप जाने आपका काम जाने। बस मैं इतना बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे हैं, वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, शॉर्ट में शायद आपके काम में आ जाए। जी हाँ, मैं एक बार आपको शॉर्ट में उपलब्ध करा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। देखिए, पहले तो अनुच्छेद 45 जानते रहिएगा। जी हाँ, सभी लोग जो लोग इलेक्ट्रिक में दुर्गेश पे जुड़े हैं, चाहे फेसबुक पेज पे, चाहे यूट्यूब पर, यह बात आप लोग पूरी तरह से जान लीजिएगा। 45 किससे है? सभी बालकों के 14 वर्ष तक की आयु पूरी करने तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना है। अगर हम अनुच्छेद 46 की बात करें तो जो 46 है किसके लिए है जरूर कमेंट करिएगा। जी हाँ, अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए दुर्बल शैक्षिक आर्थिक में अभिवृद्धि करना है। 47 किस लिए है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादर पेय औषधियों पर प्रतिबंध लगाता है। अगर हम 48 की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है 48, गाय बछड़ों दुधारू पशुओं के उनके वध प्रतिरोध पर। लेकिन अगर 48 ए आ जाए तब 48 ए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण संवर्धन से है। अगर 49 आ गया तब मोस्ट इंपॉर्टेंट, 49 मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय महत्व वाले स्थान को एक ऐतिहासिक स्मारक घोषित करना। अगर हम 50 की बात करें तब 50 में राज्य न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथककरण है। ठीक है, अगर हम 51 की बात करें तब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा में अभिवृद्धि। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9:30 बजे ये क्लास चलती है, इसको रट लीजिए क्योंकि सभी के लिए फर्स्ट पेपर अनिवार्य है, स्कोरिंग है। अगला प्रश्न आपके लिए है, IMF का पूरा नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF का फुल फॉर्म मैंने बता दिया। ठीक है, अब आप बताइए इसके अलावा आप क्या क्या जानते हैं, जल्दी से। ठीक,
जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे शिक्षक साथी हो, इस देश के निर्माताओं, कर हर हर मैदान फतेह, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे आइए आपका मुख्यालय कहां पर है। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, देखिए प्रश्न नंबर 19 है, 50 प्रश्न की सीरीज है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होता है, ठीक है। इसलिए इसकी अगर स्थापना की बात की जाए, इसका स्थापना कब हुआ था, दो चीज होती है, एक होता है इसका जो नींव पड़ी थी 27 दिसंबर 1943 को इसकी नींव पड़ी थी, लेकिन इसकी शुरुआत 1 मार्च 1947 हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है, कहां पर है, वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, ठीक है। इसमें कितने सदस्य देश हैं वो कमेंट करके जवाब दीजिएगा, इसमें कितने सदस्य देश हैं इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है आपको ऐसे प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं। चलिए हम और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। वे वस्तु जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है उन्हें क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20। मैंने आपसे पहले कहा था इस सिलेबस के आधार पर आपकी क्लास चलती है, जैसे आपका सिलेबस है जैसे आपका पाठ्यक्रम है। बताइए वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ती है उन्हें क्या कहते हैं, गिफेन वस्तुएं कहते हैं। कौन सी वस्तुएं, गिफेन गुड्स कहते हैं, जी हाँ, इसे लिखना चाहे लिख लीजिएगा सभी लोग, गिफेन गुड्स कहते हैं। यह उपभोक्ता के सिद्धांत जिसमें एक ऐसा उत्पादन होता है अधिक उपभोग करते हैं लेकिन कीमत बढ़ जाए, इसमें मूल कानूनों का उल्लंघन होता है, ठीक है। अब यहां पे मैं बता दूं कि पूंजीगत वस्तुएं किसी होती हैं, माने जो यंत्र तंत्र जिसमें आते हैं उपकरण आते हैं उन्हें हम पूंजीगत कहते हैं, ठीक है। बेबलेन वस्तुएं क्या, हमें ध्यान से लिख लीजिएगा, बेबलेन वस्तुएं किसे कहते हैं, ये इकोनॉमिक्स का टर्म है या आपके पाठ्यक्रम में सिलेबस में है। वे वस्तुएं जब वस्तु की गुणवत्ता के साथ साथ मूल्य कीमत को जोड़ दिया जाए तो वस्तु महंगी होने लगती है, गुणवत्ता अच्छी होती है तो वस्तु सस्ती होती है तो उनकी गुणवत्ता खराब होती है, इन वस्तुओं के मांग का नियम लागू नहीं होता, उसे बेबलेन वस्तु कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व क्रिकेट 2019 कहां प्रस्तावित था, जल्दी से कमेंट करके बताइए कहां प्रस्तावित था। ये 2019 में इंग्लैंड में 2019 और 2023 में भारत में, यह प्रश्न याद रखिएगा, लेकिन इस प्रश्न का विकल्प सी होगा, 2023 में भारत में है, ठीक है। भारत में कब है, 2023 में, यह बात आप लोग जरूर से जानते रहिएगा। समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया यार, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं उतने लोगों ने भी लाइक का बटन नहीं दबाया, कैसे नहीं करते यार, सिलेक्शन लेना ईमानदारी से पढ़िए, अगर आप दिल दिमाग से साथ रहेंगे यकीनन सफलता आपके कदमों में होगी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक नहीं है, जवाब दीजिएगा सभी लोग फटाफट कमेंट करें। सभी क्लासेज आपकी लर्निंग दुर्गेश पे शुरू है, जिसमें भाषा के तीनों, ठीक, भाषा के साथ साथ SST साइंस मैथ और फर्स्ट टॉपिक सभी के लिए जो अनिवार्य है, इन सभी के लिए आप 6306344367 पर जुड़ सकते हैं, जनपद से मेरी क्लास निःशुल्क होती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसमें कौन सा भारतीय बैंक नहीं है, आइए इस प्रश्न में बात करते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी होगा, ये है HSBC, यहाँ पर यह इंग्लैंडियन बैंक है, इसका मुख्यालय लंदन में यूनाइटेड किंगडम में है, ये 1936 में थी। अब हम एक्सिस बैंक की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1990 में हुआ थी। HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1994 में हुआ था, ठीक है। अगर हम ICICI बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1994 में हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक। तीनों बैंक भारतीय लेकिन यह बैंक क्या है, बाहरी है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा। अगला, निम्नलिखित में से कर्क रेखा नहीं गुजरती, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती, कितने 8 राज्यों से गुजरती, जिसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, जहां मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से
छत्तीसगढ़ झार से झारखंड, तो किससे होकर नहीं गुजरती बताइए, तो यहाँ पर उत्तराखंड से होकर नहीं गुजरती, ठीक, उत्तराखंड से होकर नहीं गुजरती, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी राइट आंसर है, जो गलत है, ठीक है, जो गलत है वही सही होगा। ये 50 प्रश्न बैंक है, ये 9:30 बजे लेनी भी दुर्गेश पर शुरू होती है, जी हाँ 9:30 बजे इन लेनी भी दुर्गेश पर शुरू हो जाती है। कर हर हर मैदान फतेह, ठीक है, कर हर हर मैदान फतेह, क्योंकि रेस के घोड़े ही तो रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। सबसे सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है, ये हमने पढ़ाया हुआ है, ये एकदम यूनिक प्रश्न है, सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है, सभी लोग बताइए। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, कोयला जो होता है कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, चारों प्रकार के नाम आपके सामने हैं, कौन कौन, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन सा होता है, जरूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए मैं एक एक करके बता रहा हूँ, सबसे अच्छी किस्म का कोयला जो होता है एंथ्रासाइट होता है, और कार्बन की मात्रा इसमें लगभग 95% होता है। द्वितीय ये बिटुमिनस होता है, द्वितीय किस्म का कोयला होता है, इसमें कार्बन 55 से 65 होता है, ये जलने पर धुआं देता है। अगर हम लिग्नाइट की बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है, और सबसे घटिया होता है वो पिट कोयला होता है, इसमें 27% तक कार्बन होता है, ठीक है। इसलिए प्रश्न का जो उत्तर होगा एंथ्रासाइट होगा, डी प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोयले के चारों प्रकार याद रख लीजिएगा, इसको विपरीत कर देंगे तो आपका क्रम भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। बताइए आप लोग, चलिए आगे बढ़ अगले प्रश्न की तरफ। ग्रांड ट्रंक रोड किससे संबंधित है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, लोग लाइक नहीं करते सोचते उनके पैसे कट जाएंगे, यकीन मानिए सिलेक्शन आपको जरूर मिलेगा इस चैनल से। कोई ऐसा जिला नहीं जहां से लर्निंग विद दुर्गेश से कोई पढ़ा नहीं, किसी भी शिक्षक की बात कीजिए। अब ग्रांड ट्रंक सड़क कहाँ है, इसके बात करते हैं। ये मॉडर्न इंडिया का सवाल है और मेडिवल इंडिया दोनों में ये प्रश्न आता है। ये ग्रांड ट्रंक रोड जो है ये कहां से कहां तक है, ये अमृतसर से लेकर कोलकाता के बीच है, कहां से, अमृतसर से कोलकाता के बीच है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या मतलब नेशनल हाईवे 1 व 2 सम्मिलित करके ग्रांड ट्रंक रोड, इसे हम कहते हैं जीटी रोड, इसे क्या कहते हैं, जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं। अगर NH1 की बात करें तो यहाँ पे यह दिल्ली, अम्बाला, जालंधर, अमृतसर, इंडो पाक बॉर्डर पे है। अगर NH2 की बात करें, अगर हम लोग NH2 की बात करें, दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, कोलकाता को जोड़ने का काम करता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा चौथा, डी प्रश्न का राइट आंसर होगा, एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, ऐसे ही आपके पेपर में प्रश्न आएंगे। चलिए सिरसा सूरी जवाब देना शुरू कर दिए, इसका निर्माण किसने किया था, चलिए अच्छा लगा कि आप लोग एकदम एक्टिव हैं। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया, ठीक है, किसका, इसका पूरा नाम क्या था, जल्दी से कमेंट करिएगा। जी हाँ एकदम जल्दी से कमेंट कर बताइए सभी साथी, जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अब की बार एक्सिट हमार, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और अब रेस के घोड़े हैं। जल्दी से कमेंट कर बताइएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, भैया आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, जवाब नहीं देंगे तो बताइए मैं कैसे होगा। इकाना स्टेडियम इसका सही जवाब, इसका नाम बदल दिया गया, जी हाँ ये लखनऊ में है, ये कहां पर है, लखनऊ के इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया, ठीक है। अगला है, ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है, ये पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, जी हाँ ये वीडियो फेसबुक पर भी लाइव है, यूट्यूब पर भी लाइव है। अगर आप एक गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में शेयर करिएगा, अपने सभी स्टेटस पर लगाइएगा, क्योंकि यही आपका मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगा, इस निशुल्क क्लास का, इस देशी राष्ट्रीय वाली क्लास का। चलिए आइए क्लिक करके हम बात करते हैं, ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है, जरा जवाब दीजिएगा आप लोग, इसका क्या कारण है ताजमहल के बदरंग होने का, तो आइए इस प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं, इस प्रश्न को हम लोग जानते हैं कैसा क्या कारण है, कोई कमेंट करके बता सकता है। यह है अम्ली वर्षा के कारण, किस कारण, अम्ली वर्षा के कारण, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड जब वायुमंडल में पहुंचकर सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल बनाती है, उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। अब अम्ल वर्षा केंद्र कहां पर है पूरे वर्ल्ड में, तो ओस्लो में है, कहां पर है, ओस्लो में है। ओस्लो कहां पर है, नॉर्वे में है। सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा कहां होती है, नॉर्वे में होती है, इसलिए ताजमहल का पीला पड़ना अम्ल वर्षा है, जी हां।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी साथी ध्यान दीजिएगा, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं चाहे से फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह भी आपके पाठ्यक्रम में है, यह भी आपके सिलेबस में है, तो जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी लोग, कौन सा सुमेलित नहीं है? एकदम आसान हलुआ वाला प्रश्न है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, मानस असम हाथी के लिए है, बादीपुर हाथी के लिए कर्नाटक, जीप कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, गलत यह भी है राजस्थान, उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड, ठीक है। तो जरा कमेंट करके बताइएगा जिम कार्बेट का पुराना नाम क्या था, जिम कार्बेट का पुराना नाम क्या था, कमेंट करके जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ठीक है। जिम कार्बेट का पुराना नाम क्या था, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी लोग, जितने लोग इस वीडियो को ना लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करिए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा सभी लोग, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप सभी साथी। जल्दी से कमेंट कर बताइए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, जल्दी से कमेंट करिए। वह राज्य जहां पे हाल ही में देश की सबसे लंबी एक्टिवेटेड रोड का उद्घाटन किया गया क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन वाली क्लास है, जल्दी जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। यार आप लोग इतना स्लो जवाब देते हैं ना, लगता है यार इससे बढ़िया तो हम ही आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। चलिए सभी साथी ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा सभी लोग, जरूर दीजिएगा, हमें आपके प्रश्न का जवाब का इंतजार रहेगा। देखिए वह राज्य हाल ही में देश के सबसे लंबे एक्टिवेटेड सुरंग का उद्घाटन किया गया, 29 का जवाब क्या होगा, यह होगा आपका उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, आपको पढ़ना है 30 मार्च 2018 को, लिख लीजिएगा 30 मार्च 2018 को, ठीक है 30 मार्च 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिडोन एडिवेट एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया गया, ठीक है। इसका पूरा नाम है क्या, हिडोन एलिवेटेड रोड, ये 6 लेन होगी, भारत की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड है जो उत्तर प्रदेश राजनगर के साथ दिल्ली और गाजियाबाद की दूरी को जोड़ेगी, ठीक, ये पूरा सफर 1 घंटे 18 मिनट में तय कर देगी, 1 घंटा 18 मिनट हो सकता है, ये भी पूछ ले। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, जल्दी से कमेंट करिएगा, कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी कमेंट करके बताएं, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए गदर पार्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार पूछा जाता है, लाला हरदयाल, लाला राजपत राय मत बता दीजिएगा, जी हाँ लाला हरदयाल, इसके बारे में आइए जानते हैं। लाला जो हरदयाल थे इस सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 25 जून 1913 अंग्रेज साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का उद्देश्य हुआ था, कब याद रखिएगा, ये 25 जून को हुआ था 1913 में, कहां पर हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी पूछता है, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, ठीक है। और गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, कोई कमेंट करके बता सकता है, इसके अध्यक्ष कौन थे, देखते हैं कौन ऐसा है जो इस प्रश्न का जवाब देगा, इसके अध्यक्ष का नाम सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना इसके अध्यक्ष थे। इसके अतिरिक्त इसमें जो केसर सिंह थदगढ़, लाला हरदयाल ये महामंत्री थे, ये महामंत्री थे, इसमें महामंत्री थे, ठीक है। गदर पार्टी की पहली बैठक सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में हुई थी, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लाला राजपत राय के बारे में कमेंट जरूर करके बताइएगा, भगत सिंह के बारे में जरूर, देखिए लाला राजपत राय, भगत सिंह,
इन दोनों के बारे में कम से कम आप सभी को एक एक लाइन जरूर बतानी है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग जरा कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? भगत सिंह के बारे में, लाला लाजपत राय के बारे में, ये आपके परीक्षा में इंपॉर्टेंट हैं। अब विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका पुराना नाम क्या था? किसी पहले तो आपको यह बताना है कि WTO का पुराना नाम क्या था, इसका मुख्यालय कहां पर है, कमेंट जरूर करिएगा। इसका पुराना नाम क्या था? जी हाँ, इसका पुराना नाम GATT था। इसका पुराना नाम क्या था? GATT था। ठीक है, आपको यह बताना है GATT का फुल फॉर्म क्या है और WTO का फुल फॉर्म क्या है, इन दोनों के बारे में आप सभी को जवाब देना होगा। ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अब GATT का फुल फॉर्म आपको जरूर बताना है। यार बताइए, ये विश्व व्यापार संगठन जिनेवा महाराष्ट्र में है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में WTO के नाम से की गई थी। इसका पुराना नाम क्या था? GATT था। क्या नाम था? GATT था। विश्व व्यापार संगठन ये क्या है? ये विश्व स्तरीय संगठन है और इसमें सदस्य कितने देश है पता है? 164 देश हैं, 164 सदस्य हैं। 164वां क्या है पता है? अफगानिस्तान है। 164वां कौन सा है? अफगानिस्तान। कब जुड़ा पता है? 2016 में 164वां अफगानिस्तान हुआ। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? देखिए, इसका पहला पूरा नाम GATT था। GATT का नाम आपको बताना होगा क्योंकि यह भी परीक्षा में पूछा जाएगा कि WTO का पुराना नाम क्या था, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। सही जवाब, कई लोगों ने इसका प्रश्न का जवाब दिया है कि जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक टैरिफ, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका पुराना नाम था, इसको बदल के WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से कर दिया गया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एकदम ध्यान से देखिएगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ये वीडियो फेसबुक पर और यूट्यूब पर दोनों पर निःशुल्क लाइव आपके लिए। यार फास्ट पढ़ा रहा हूँ, इससे ज्यादा फास्ट क्या होगा? मैं विकल्प की व्याख्या ना करूं कि जरूरी नहीं है जो मैं पढ़ाऊं हूबहू परीक्षा में प्रश्न आए, लेकिन ये जरूर जरूरी है कि मेरी व्याख्या परीक्षा में हूबहू आएगी। यकीन मानिए, भरोसा रखिए, जिसे डॉक्टर पे रखते हैं भरोसा, व्याख्या मेरी सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रश्न का उत्तर तो किसी भी प्रैक्टिस सेट में खोजेंगे मिल जाएगा, लेकिन व्याख्या नहीं मिलेगी। ये सिलेक्टेड प्रश्न आपके लिए है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के स्वर्णिम चतुर्भुज का उद्देश्य क्या था? सभी लोग कमेंट करें। 32 नंबर प्रश्न, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ना। जी हाँ, इस योजना में अगर लेन की बात की जाए राजमार्ग, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को मिलाने का उद्देश्य था। अगला, बटरफ्लाई का संबंध किससे? आपके पाठ्यक्रम के आधार पर है। जैसे जैसे आपका पाठ्यक्रम है वैसे वैसे आपकी क्लास है। आपको पता है ना ये क्लास प्रतिदिन कितने बजे चलती है? क्या आप सबको ये पता है ये क्लास कितने बजे प्रतिदिन चलती है? 9:30 बजे, एकदम अलार्म लगा लीजिएगा। चलिए देखिए, बटरफ्लाई की अगर हम बात करें, जी हाँ, तो इसका तैराकी से संबंध है। इसके अलावा फ्री स्टाइल, इसमें और जो मुझे याद है मैं लिखवा दे रहा हूं, फ्री स्टाइल है, बेस स्ट्रोक है, इसके अलावा इन शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये हो सकता है ये दो शब्द भी आपके परीक्षा में पूछ दे, इसलिए मैंने दो शब्द को भी लिखवा दिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि कर हर हर मैदान फतेह, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अद की बात, एक सीट हमार। अगला प्रश्न है कि ऐसे डबल फास्ट स्मैश, सेकेंड सर्विस और गेम पॉइंट किस खेल से संबंधित है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जी हाँ, देखिए, शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा जूनियर प्राइमरी के क्लास या नोट संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर बात कर सकते हैं। हमारी क्लास पूरी तरह से निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में होती है। इसकी PDF आपको सभी क्लास के लिंक निःशुल्क टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सभी साथी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, ऐसे डबल फॉल्ट स्मैश, सेकंड सर्विस, गेम पॉइंट, इस सभी शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? टेबल टेनिस में मिलता है। टेबल टेनिस में मिलता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसकी स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा सभी लोग, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा 28 फरवरी को। जी हाँ, एकदम सही आप लोगों ने बताया है, ये होगा रमन प्रभाव की वजह से। क्या? रमन, क्योंकि
सर चंद्र शेखर वेंकट रमन, इनके जन्मदिवस के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को यह मनाया जाता है। इसलिए आप लोग ये जानते रहिएगा। 36 कौन सी एक राजधानी नहीं है, तीन राजधानी है एक राजधानी नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, बताइए बताइए। बताइए चलो फटाफट कमेंट करके। बताइए सभी लोग कमेंट करके मेरे प्यारे शिक्षो साथियों। देखिए राजधानी नहीं है पूछा है 36 में, तो बर्लिन किसकी राजधानी है? ये जर्मनी की राजधानी है। ये मैं इससे एक पाठ्यक्रम आपको बताऊंगा क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क यही इसकी राजधानी नहीं, क्योंकि ये राज्य की राजधानी है, ये राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, बीजिंग चीन की, क्लियर हुआ आपको? न्यूयॉर्क यूएसए का एक नगर है, न्यूयॉर्क यूएसए का एक नगर है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब की बात जूनियर शिक्षक भर्ती में एक सीट हमार। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, सबसे खराब वायु प्रदूषण करने वाला पदार्थ क्या है? सबसे खराब वायु प्रदूषण करने वाला पदार्थ क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए CO2 क्या है, ये वायुमंडल में अगर देखा जाए तो 0.003% पर फैला हुआ है, और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है, लेकिन सबसे खराब वायु प्रदूषण को कार्बन मोनोडाइऑक्साइड कहते हैं, इसे CO गैस कहते हैं, इसे दम घोटू गैस कहते हैं। ये एक रंगहीन गैस है, हवा में थोड़ी हल्की होती है, ये वायु को प्रदूषित करने वाली सबसे प्रमुख गैस है, ठीक है। हाँ ये मनुष्य के लिए विषाक्त है, क्योंकि उसके ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को नष्ट करता है, और ये जल एसिटिक अम्ल इथेनॉल क्लोरोफॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि गैसों में घुलनशील होती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा, 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही हैं, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। अगला, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है, ये साइंस के और EBS के सवाल हैं, और आपको मैंने पहले बताया था ये आपके सिलेबस में है, ये सारे आपके पाठ्यक्रम में हैं, और मैं उसी को पढ़ा रहा हूं जो आपके पाठ्यक्रम में पहले से हैं, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए प्रश्न नंबर 38 आपके हिसाब से क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। देखिए अगर हम 38 की बात करें तो यहां पर होगा कि उच्च दाब किसे क्वथनांक बढ़ जाता है, इस प्रश्न का उत्तर भी होगा बी। मैंने इस प्रश्न का अगर हम उत्तर की बात करें तो अभी क्या होगा आपका बी राइट आंसर होगा, 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां से किसी को डाउट कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकता है। अगला है, चाय की पत्ती सबसे महत्वपूर्ण उद्दीपक कौन सी है? क्या आपको PDF मिला? अगर आपको PDF नहीं मिला होगा तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जल्दी आपको सारी PDF उपलब्ध हो जाएगी। दुर्गेश्वर सर्च करके फेसबुक पेज पे इलनिप दुर्गेश पर भी उपलब्ध है, फेसबुक पे देखकर तो उसे फॉलो कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। चाय की पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उद्दीपक क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, चाहे जहां इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिए, बताइए सभी लोग। सभी लोग बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए चाय की पत्ती में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक क्या होता है, एकदम आसान सा प्रश्न है। यहाँ पे कैफीन होता है, आप लोग सुनते होंगे कि कैफीन एक उद्दीपक है, ये कड़वी सफेद होता है, इसमें एक्सेथाइन एल्कोहाइड होती है, ठीक है। इसकी खोज किसने किया था कैफीन की पता है, फ्रेडरिक फर्डिनेंड रंज ने किया था। इसका सूत्र है, मैं लिखना चाहे लिख लीजिएगा, कैफीन का 6 8
H10N4O2, ये इसका सूत्र है। अगला है आपके सामने 40, कौन सा युग्म सही है? 3 गलत है, 1 सही है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। देखिए B12 का नाम राइबो फ्लोविन है, लेकिन विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन है। B1 का नाम क्या है? सभी लोग लिखना चाहें लिख लीजिएगा। जी हाँ, इसका क्या होगा? थायमिन होगा। विटामिन B6 का नाम क्या है, किसी को पता है? पैराडिक्सिन होगा। हाँ, पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सिन होगा। सी का नाम क्या है पता है? स्कॉर्बिक अम्ल होगा। लिखना चाहे लिख लीजिएगा। हमारा उद्देश्य इस तथ्य को व्याख्या इसलिए करना है ताकि आपको ये समझ में आए कि आपका जो प्रश्न आएगा ना वो कहाँ से आएगा। अगर इस प्रश्न को सीरीज को ऐसे डेली पढ़ना है तो 9:30 बजे मोबाइल में अलार्म लगा लीजिएगा, 8:30 बजे। 7 दिवसीय विश्व भारत का भूगोल चल रहा है, भारत का भूगोल 7 दिन में खत्म, फिर 7 दिन में संविधान खत्म, 7 दिन में साइंस खत्म, 7 दिन में कंप्यूटर, 7 दिन ऐसे ऐसे करके आपको 50 दिन में संपूर्ण पाठ्यक्रम खत्म हो जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा? बी, जो गलत है वही सही है। सही मतलब सही है, सही। अगला, अब आते हैं रीजनिंग के सवाल की तरफ। जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी साथी, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं ना, जल्दी जल्दी कमेंट करिए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। इस देश के निर्माताओं, कर हर हर मैदान फतह, यहाँ पे चिन्ह बदलना है। आपने देखा होगा ये प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है, चिन्ह बदलने वाला, तो आपके परीक्षा में भी यहाँ से चिन्ह बदलने वाला आएगा। यदि कह रहा है कि भाग को जोड़ को गुणा करें, मतलब यहाँ अगर हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जोड़ गुणा हो जाएगा, घटाना जोड़ हो जाएगा, और गुणा जो है वो भाग हो जाएगा, और भाग जो है वो घटाना। मतलब इसे लिख सकते हैं 4×2+9/3-6। तो यहाँ पे हो जाएगा 3×3=9, 3 हो जाएगा, 4×2=9, 8, 8+3-4=3, 11 में से 6 गया, 8×3=11 में से 6 गया, तो हो जाएगा 5। हाँ, 5, 5। इसका उत्तर क्या होगा? 5 इस प्रश्न का सही विकल्प है। क्या आप लोग को समझ में आया इस प्रश्न का उत्तर? सभी लोग जरा कमेंट करें, आपके कितने सही हुए, आपके 50 में कितने सही हुए, यहां पे एक स्कोर कार्ड बनाइएगा और आप देखिएगा अभी आपको कितना मेहनत करनी है। ये एकदम सिलेबस से है, जैसे आपके जूनियर शिक्षक भर्ती का फर्स्ट पेपर है वैसे ही है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आप लोग को कि नहीं? नहीं आया बताइए सभी लोग। सभी लोग चलिए हम आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यार वीडियो को शेयर करिए, यहां पे कथन कारक है, ये भी एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में फिक्स आता है। करंट क्लास सुबह 6:30 बजे चलती है, सुबह 6:30 पर आपकी क्लास करंट की डेली आ जाती है। ठीक है, देखिए, क्या रेलवे को अपने बुनियादी ढांचे में सुधार करना चाहिए? हाँ, ये अधिक यात्रियों को आकर्षित करता है, नहीं, ये टिकट किराए में वृद्धि करेगा। 42 का आपके हिसाब से क्या उत्तर होगा? यहाँ पर होगा यह ए सही है, केवल ए सही है, मतलब प्रश्न का उत्तर ए होगा, यहाँ अधिक आकर्षित करता है, सुधार होगा। ठीक है, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। पेपर ए, कुछ लोग अभी ये समझ में नहीं आ रहा पेपर ए और दो का मतलब क्या होगा ना। देखिए, ए और दो का मतलब यहाँ पर क्या होगा? ए और बी, यहाँ से 50 प्रश्न होंगे, यहाँ से 100 प्रश्न होंगे, मिलाकर आपके 150 प्रश्न होंगे, 150 मिनट में एक साथ होंगे, लेकिन सेक्शन ए जो है सबके लिए अनिवार्य होगा। ठीक है, देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय में बढ़ती संख्या में निकलने वाले ग्रेजुएट रोजगार योग्य नहीं है। ठीक, कह रहा है किस लिए? पाठ्यक्रम किसी विषय वस्तु तय करने के लिए उच्च शिक्षा के कॉलेजों और अधिक स्थायित्व दी जानी चाहिए। विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों में भारत परिषद बनाने के प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। आप लोग देख रहे हैं लाइव तो बताइए। ठीक है, ये जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए है भैया, आपके प्राइमरी में भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहां पर होगा, इस प्रश्न में यदि एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है, एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं यहां पर, ठीक है, कैसे कि बढ़ती संख्या निकलने वाले ग्रेजुएट रोजगार योग्य नहीं है, पाठ्यक्रम के विषय वस्तु तय करने के लिए उच्च शिक्षा के कॉलेज संस्था अधिक स्वायत्त दिया जाना चाहिए, विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय भारत परिषद बनाने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए ताकि वो उसको रोजगार के योग्य हो सके। इस प्रश्न का उत्तर
सी होगा, क्या होगा, सी सही होगा, सी सही होगा। अगला, घड़ी भी आपके पाठ्यक्रम में, आपने सिलेबस देखा होगा, घड़ी भी वहां पर है। कह रहा है कि किसी घड़ी में 2 बजे से 3 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुई एक दूसरे के समपाती होंगी। देखिए इसके लिए क्या करना होगा कि दो बजे और तीन बजे की सुई जब 2 बजेगा फिर 3 बजेगा, इसमें 2 पर और 12 पर होंगी, इन दोनों सुइयों के समाती सुई 10 मिनट अधिक चलना होगा, तब मिनट सुई 55 मिनट का अंतराल होता है 10 मिनट में। जैसे यहाँ पे अगर मैं घड़ी बना लें, ऐसे में आपको यहाँ पढ़ा दिया जाएगा, इसे कितना बजाना है आपको, 2 बजाना है, तो ये है आपका 2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 बजे घंटे की सुई 2 पर, मिनट की सुई 12 पर होगी, ये सुई में कितने मिनट का अंतराल होगा यहाँ से यहाँ तक, 10 मिनट और 60 डिग्री। अगर मिनट की बात किया जाए तो 10, डिग्री की बात की जाए तो 60। तो ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मिनट में कितना है 10, और डिग्री की बात की जाए तो 30 दूना 60 डिग्री का अंतर है। अब दोनों को समाप्ति होने के लिए 10 मिनट अधिक चलना होगा, बराबर होने के लिए 10 मिनट अधिक चलना होगा, तो सुई द्वारा 55 मिनट का अंतराल 10 मिनट में तय करेगा। इसलिए इसका छोटा सा सूत्र होता है 60 बटे 55, क्योंकि एक छोड़े गुड़े 10, ठीक, और ये कितना है 2 बजे प्लस 2, ये काट दीजिएगा, 5 से काटेंगे 11, 5 से काटेंगे 12, तो ये हो जाएगा 2 सही 12 120 ना, 2 सही 120 बटे कितना हो जाएगा ना, 60 है ना, तो हाँ अच्छा अच्छा ऐसे देखिए, 2 सही 2 प्लस ये हो जाएगा 120 बटे 11, तो ये हो जाएगा 2, एक काम करिए, 2 हटा देते हैं पहले ना, 2 कोई वैल्यू है नहीं, क्या मतलब यहाँ पे रखें, ये हो जाएगा आपका, पहले तो हो जाएगा 120 बटे 11, माने 10 सही 10 बटे 11, 11 है ना, हाँ 120, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, हाँ अब ये बजाएगा 2 बजकर 10 सही 10 बटा 11 मिनट, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अरे मिनट पर, इसका मतलब ये होगा, ये ए इसका राइट आंसर होगा, ए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया था उनके जवाब पूरी तरह से सही है। चलिए अगला आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा जो भी साथी लाइव देख रहे हैं, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। यार सब कुछ हो गया, शुरू से 9:30 बजे से स्टार्ट होती है, लेकिन सारी क्लासेज जो शुरू होती है 5:30 से स्टार्ट हो जाती है, निःशुल्क क्लास शाम पाँच से रात के 11 तक क्लासेज आपकी डेली चलती हैं, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जहाँ पे आगामी आपको भाषा SST गणित विज्ञान और फर्स्ट पेपर, ठीक है। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 हुआ था, शशिकांत का जन्म 6 दिन पहले हुआ, उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था, तो शशिकांत का जन्मदिन किस दिन हुआ, ये जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए अगर यहाँ पे सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 हुआ, शशिकांत का जन्म 6 दिन पहले हुआ, 6 दिन पहले हुआ था, इसका मतलब शशिकांत, अगर हम शशिकांत की बात करें, इनका जन्म 28 सितंबर हो जाएगा तब 1999, कैसे, क्योंकि 4 अक्टूबर को हुआ था और शशिकांत जन्म 6 दिन पहले हुआ था, तो माने 6 दिन घटा देंगे तो 28 को आ जाएगा, और 15 अगस्त के दिन रविवार था, तो देखिए 15 अगस्त को रविवार था, 15 अगस्त 1999 को रविवार था, संडे था, ठीक है। अब इसमें कितना दिन बचा है अगस्त खत्म होने में, 16 दिन में अगस्त खत्म, 28 दिन, ये 16 28 कितना होगा 44 दिन, 7 से भाग दीजिए, 7 से जब 44 में भाग देंगे 7 6 42, दो दिन शेष बचा, तो आज कौन सा दिन है, रविवार, तो 2 दिन जोड़ देंगे, संडे में 2 दिन जोड़ देंगे, तो हो जाएगा मंडे ट्यूसडे, अर्थात दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार,
क्या होगा? मंगलवार होगा। क्या होगा? मंगलवार होगा। इस दिन क्या होगा? 2 दिन जुड़ जाएगा, रविवार से 2 दिन आगे जाएंगे तो कौन सा दिन पड़ेगा? मंगलवार पड़ेगा। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए यार, कितनी बार आप लोग को कहा जा रहा है लेकिन आप लोग तो मानते ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, शेयर कर दीजिए वीडियो को। अगला आपके सामने कथन कारण है, ध्यान से देखिएगा। कथन कह रहा है, भारत सरकार ने हाल ही में विदेशी पर्यटकों को कई रियायतें देने और आकर्षक पैकेज टूर देने की घोषणा की। अब यहाँ पे है कि सभी लोग ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि अब अधिक संख्या में विदेशी पर्यटक भारत आएंगे या भारत सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने में गंभीर लगती है, इसमें क्या होगा? निष्कर्ष एक निकलेगा या बी निकलेगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी साथी, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे सभी लोग बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे जल्दी से कमेंट करिए। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो केवल, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, केवल निष्कर्ष 2 निकल रहा है, ध्यान देखिएगा सभी लोग, बताइए कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे चिन्ह वाला है, आप ध्यान से इसको लगा लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। चलिए अगला है, अच्छा कर लीजिएगा 48, ध्यान से देखते हैं, आपका समय भी थोड़ा सा कम है, 48 को जवाब दीजिएगा। छात्र की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वां है तथा पद्मा दाएं से 12वीं है, इस पंक्ति में राम बाएं से 12वां तथा राधा दाएं से 9वीं है, प्रभु राम के बीच में कितने छात्र हैं? जरा कमेंट करके आप लोग बताइएगा, सभी लोग जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग एक बार इसको हल करिएगा। चलिए अभी एक क्यों नहीं, मैं उस पर वापस चला जाता हूँ, एक क्यों नहीं है, ठीक है अभी हम उस पर आगे बात फिर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि दी गई पंक्ति में प्रभु की स्थिति 9वीं तथा राम की स्थिति 12वीं से 12वीं है। अगर हम यहाँ पे देखें प्रभु और राम के बीच छात्रों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से ये 12वें हैं और यहाँ से ये 9वें हैं, तो 10, 11 और 12, तो बीच में कितने लोग होंगे? 2 लोग होते हैं, कितने? 2 लोग होंगे, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसमें से कोई नहीं, अर्थात चौथा होगा। देखिए कोई व्यक्ति है इधर से, इसका तरीका है, ये 12 लोग थे, 9 + 1 कर देंगे तो एक संख्या निकल जाएगी, तो बराबर कितना हो जाएगा इसका? 12 - 10 = 2। देखिए यहाँ से कोई स्थान पर, यहाँ पर ये 12वें पर है, और यहाँ से पीछे से कोई इस स्थान पर, यहाँ पे 9वें से, बीच में कितना होगा? एक 10, 11 फिर 12 आएगा, कितने लोग होंगे? 2 लोग। कितने लोग होंगे? बीच में 2 लोग होंगे। इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा? इसमें से कोई नहीं। क्या होगा? इसमें से कोई नहीं, ठीक है। हाँ एक लोगों का प्रश्न आया है कि ये वीडियो को शेयर करने के लिए जिद क्यों करते हैं, जब जो मेहनत से पढ़ाएगा वो ये सोचेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। जब आप सरकारी शिक्षक बनेंगे, जिस दिन आपको बढ़िया टॉपिक पढ़ाना होगा, क्योंकि बच्चों का सब लोग आना, हम एक अच्छे टॉपिक पढ़ाएंगे, इसलिए हम कहते हैं जिसको नहीं समझ में आता तो वीडियो छोड़कर चला जाया करे, क्योंकि आप अगर पढ़ रहे हैं तो अपनी सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। मैं भी ऐसे चाहता हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा लोग पढ़े और ज़्यादा ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। अगर मैं एक एक प्रश्न को इकट्ठा करने में मुझे 10 से 12-12 मिनट लगते हैं, तब जाकर ये प्रश्न बैंक तैयार होता है 50 प्रश्नों का, ठीक है। जिस दिन आप अध्यापक होंगे उस दिन शायद आपको पता चलेगा। फिलहाल आपके सबके आशीर्वाद की वजह से मैं गवर्नमेंट अध्यापक हूँ, इसलिए मैं फ्री निःशुल्क राष्ट्रीय तेसित में पढ़ाता हूँ। इसीलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर M P K J T W में सबसे वजनदार कम वजनदार कौन है? आइए इस विषय पर हम लोग थोड़ा सा एक प्रश्न को हल करने का सहारा लेते हैं। कह रहा है P M T P अधिक वजनदार, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, छोटा नहीं होगा ना? नहीं होगा। चलिए आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि इसमें ध्यान से देखा जाए कि पी एम के जे टी और डब्ल्यू सबसे वजनदार कौन है? एम जो है एम, और टी एम टी से पी वजनदार है ना, पी जो है
ये एम और टी से वजनदार है, और दूसरे चलते हैं पी डब्ल्यू से अधिक वजनदार है। पी जो है वो पी पी से डब्ल्यू, अच्छा पी से डब्ल्यू अधिक वजनदार है, किंतु जे सबसे अधिक, जे मतलब कहीं यहाँ पर है, जे इनके बीच में कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, तो एक दो तीन चार पाँच छः, मैंने सबसे वजनदार जे हो गया। अब इसमें बताना है, आपके सामने प्रश्न है, कह रहा है कि यदि केवल कथन तो सबसे कम वजनदार कौन है, सबसे कम वजनदार कौन है, तो सबसे कम वजनदार के लिए कह रहा है यदि केवल कथन एक में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल दो में दिया गया डाटा, जी नहीं, प्रश्न क्या एक से आप बता सकते हैं सबसे वजनदार कौन है, ठीक है चलिए यहां समझ में आया, क्योंकि ये से हो नहीं सके। दूसरा, यदि केवल कथन दो में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल एक में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, जी नहीं, दोनों प्रश्न का उत्तर लगाएंगे तब ये पता चलेगा, ये तीन डेटा इसके बीच में फीड हो जाएंगे, और जब तीन डेटा इसके बीच में फीड हो जाएंगे तो सबसे भारी जे और सबसे हल्का पी पता चल जाएगा। यदि एक और दो को डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यदि एक या कथन इसमें एक या दो कह रहा है या लगा दिया है, इसका मतलब न ये सही है न ये सही है, अब इसका मतलब जो बचा है वही सही होगा, ठीक। चलिए हम और आगे चलते हैं, अगला है या एक और दो को मिला दिया जाए तो प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम, इसलिए इसका डी होगा, ठीक है डी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और आखिरी प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है ध्यान से देखिएगा, 50 प्रश्न है, गलती से 51 तक के लिए टाइप हो गया। अवज्ञारी आज्ञाकारी दुष्टता, जिस पर अवगारी का, जिस पर अगर अवज्ञाकारी का आज्ञाकारी है उसी प्रकार दुष्टता का क्या होगा। सभी लोग ऑनलाइन क्लास से नोट्स के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर से जुड़ सकते हैं। ये सभी क्लास आपके लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मेरे द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, बाकी किसी भी क्लास के लिए आप जोड़ सकते हैं। सभी क्लास के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी निःशुल्क क्लास के लिए दुर्गेश सर सर्च कर कर ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। अगर जूनियर की बात करें तो आपको यहाँ पे भाषा तीनों तीनों भाषा में, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत, फिर यहाँ पर SST पूरी कंप्लीट, फिर SCIENC साइंस हो गई आपकी पूरी कंप्लीट, मैथ पूरी कंप्लीट, ये उपलब्ध है। साथ ही फर्स्ट पेपर माने खंड क GS GK और करंट, यहाँ से 50 यहाँ से 100, इन प्रश्नों की सीरीज आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है, आप चाहे तो जोड़ सकते हैं आपकी इच्छा, ठीक है। फेसबुक पे अगर वीडियो देख रहे हैं तो ई लर्निंग विद दुर्गेश है, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ई लर्निंग विद दुर्गेश है, ठीक है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि ज्यादा लोगों तक तो पहुंचे, कर भला तो हो भला। बहुत बहुत धन्यवाद, इस प्रश्न का उत्तर बताते चलिए, बात की सीरीज यहाँ पे खत्म हो जाएगी। यहाँ पर होगा दुष्टता से अच्छाई होगा, कैसे ही एक दूसरे के विलोम है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ये एकदम आपको वही सिलेबस है जो परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे, एकदम पाठ्यक्रम के आधारित आपका सिलेबस है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत, ठीक है ठीक, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, ठीक है। बाकी सभी क्लास लेने भी तरीके से उपलब्ध हैं, जुड़ सकते हैं, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। बाय बाय, वीडियो को शेयर करिएगा, 9:30 बजे क्लास, ये क्लास जो चलती है 9:30 बजे। देखिए एक GS फर्स्ट पेपर बहुत ही यूनिक है, अकेले आधे नंबर का है, तो ये दोनों क्लासेस की समय सारणी लिख लीजिएगा, खंड क के दो क्लास की टाइमिंग रट लीजिएगा, क की एक क्लास 8:30 से दूसरी क्लास 9:30 से, ये दोनों क्लासेस PM में होती हैं शाम में, ये निशुल्क है पूरी तरह से, इसके लिए जरूर जुड़िएगा। बाय बाय, क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बाद में बताइएगा। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछता हुआ जा रहा हूं, वर्तमान समय में बिहार का राज्यपाल कौन है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा, ठीक है। और कोई सवाल होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मेरी इंस्टाग्राम आईडी दुर्गेश सर, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, इलानी पे दुर्गेश इंस्टाग्राम पे, जहां भी आप चाहें तो सवाल अपने पूछ सकते हैं। बाय बाय।
काफी लंबा क्लास हो गया, अब आराम करते हैं। सभी क्लास की टाइमिंग आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, सभी लोग टेलीग्राम इंस्टॉल कर लेंगे और लिंक से जुड़ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है।